नमस्कार फोरसाइट्स टीवी में आपका स्वागत है। अमेरिका ने गुरुवार को सुपर ओवर में पूर्व T20 चैंपियन पाकिस्तान को हराकर मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में पहला और सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया है। पाकिस्तान ने डलास में खेले गए इस मुकाबले में निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। वहीं जवाब में यूएसए ने शानदार प्रदर्शन किया और 3 विकेट पर 159 रन बनाकर मैच खत्म कर डाला। सुपर ओवर में यूएसए ने 1 विकेट के नुकसान पर 18 रन बनाए और पाकिस्तान 1 विकेट पर 13 ही रन बना सका। T20 वर्ल्ड कप का ये रिजल्ट 2007 के वनडे वर्ल्ड कप में आयरलैंड के हाथों पाकिस्तान की चौंकाने वाली हार की याद दिला रहा है। आयरलैंड तब अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहा था। ये पाकिस्तान की 4 टाई मैचों में तीसरी हार है और अमेरिका की 2 सुपर ओवर में जीत है। ये पहली बार है जब पाकिस्तान T20I में किसी गैर पूर्ण सदस्य टीम से हारा है। यूएसए ने कनाडा पर जीत के साथ T20 वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत की थी। पाकिस्तान की हार से आहत और निराश हैं शोएब अख्तर। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने इस हार पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पाकिस्तान की इस हार की तुलना 1999 विश्व कप में बांग्लादेश से मिली हार से भी कर डाली। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए वीडियो में शोएब अख्तर ने कहा, पाकिस्तान के लिए ये निराशाजनक हार है। अमेरिका से हार कर हमारा आगाज अच्छा नहीं रहा। दुर्भाग्य से पाकिस्तान जीत का हकदार ही नहीं था, क्योंकि अमेरिका ने वास्तव में बहुत अच्छा खेला। वे हमेशा मजबूत स्थिति में थे। अमेरिका ने मैच बचाया। शाहीन और आमिर ने कोशिश की, लेकिन अमेरिका 37 ओवरों तक पाकिस्तान पर हावी रहा और दुर्भाग्य से हम इसे हासिल नहीं कर सके। यूएसए के खिलाफ सुपर ओवर में पाकिस्तान की हार को फैंस और पाक दिग्गज खिलाड़ी पचा नहीं पा रहे हैं। बाबर ब्रिगेड को खूब सुना रहे हैं। खबरों में रहना है अपडेट, तो देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।